वह पत्रिका जो पंच लिखी वह ले परिवार नैनी बाई करने गई हो और नैनी बाई उन कोकिले ब्राह्मण क्योंकि हे नैनी पत्रिका लेने में थारे बापू कने जाऊं थारा कोई संदेश दे तो दे तो वो नैनी बाई के नैनी बाई बोली थे तो लिखे इतो नैनी बाई क्योंकि हैं बेड़ा रे परन वो कागज लिख दी तो नैनी बाई कह के बोली के लिखे ही तो कि मारे तो सुसरा ने घर आई जी मैं कि मारा बापू ने थे ये ब्राह्मण एक कोकले ब्राह्मण मारे बापू ने कही जो कि मारा जो सुसरा वाला है इतो लिखियो कि मारे तो सुसरे घर आई जी मैं कि थे मारे बापू ने की जो कि मारे घर नहीं आ गया मारी तो सासू में माहिरारी ख्यात के कि मारी जो सासू है वह तो माहिरारी भूखी है मायदारी भूखी है मारी तो सासू ने मायदारी क्या था अरे मायरो जुड़े तो लेकर आई जो भली बात कि मारे बापू ने हे ब्राह्मण इतो कीजिए कि मारी सासू तो मायदारी भूखी है और जो कागज में लिखियो मायरो वो चीज थाने जुड़े मायरो जुड़े तो लेकर आई जो भली बात के मारे बापू ने कीजिए कि मायरो इतो मिल जावे जो लिखियो कागज में तो थे लेने भली भली बात पधार जो नहीं तो आई जो इत्रो तो संदेशो मारो कह दीजो जोशी है जोशी जी इत्रो मारो संदेशो मारा बापू ने कह दीजो अरे मायरा बिना तो थारी हासी गणी होसी अने मारो संदेशो है कि मारे बापू ने कहजो कि यदि मायरा नहीं लेना होना तो भी थारी हासी है इत्रो तो संदेशो मारो कह दीजो जोशी अरे मायरा बिना तो थारी हासी गणी होसी आगे तो कीरावर कार्य मोटाई किया के हे जोशी मार बापू ने कहियो कि जिन टाइम मने बनाई थी मारो ब्याह करियो उन टाइम तो थे किराव नहीं मोटा मोटा करिया था अरे देवन तेवन डबल टेबल थे दाईचा दिया था दोवन तेवन दाच माने दाईचा में दिया था जो चीज एक से जब थे 50 दी थी पंतु आगे किरावर कार्य मोटाई किया दोवन तेवन दात माने दाईचा में दिया अरे मायरारी वेला आई बरकत करू मारे बापुरी हमें जब उनारी द्वैती पनिदरी है मारी बेटी पनिदरी है जिन टाइम आप भगत मारे बापुरी बड़ी करू रहती क्योंकि ध्यान दीजो बिरा रूखड़ा रिचियां जो वृक्ष रहनी उन वृक्ष रिचियां दिन में कितनी बार डरे कितनी तरफ डरे तीन तरफ डरे दिन उगे जाने छियां अटी में रहे ऊपर आवे जाने पाछे यूं जा पाछे यूं डरे जाने तो जो रोकड़ारी दिन में छिया तीन तरह डरे इन तरह कोई हमेशा व्यक्ति रे जीवन में दिन कोई बराबर नहीं रहता तो इन वास्ते नैनी बात कह रही है कि आगे तो किरावर कारण मोटाई किया दोवन चवन दात माने दायचा में दिया अरे मायरारी बड़ा आई भगत करो जब मायरारी बड़ा आई आप भगत बड़ी खराब आई मारे बापू रे बड़ा आवनो होवे तो खर्ची लाइजो भरपूर हे जोशी मारा बापू ने कीजो कि योगी अटे आवे तो वे हाथ पे खर्ची लेने आवे अटे कुजरी खर्ची भी हाथ लेने आवे आवनो होवे तो खर्ची लाइजो भरपूर और दूसरी बात बारात कटवा में ना सुरत हो सुरत की बारात आसी बटोती देसी यदि सुरत बारात आवे ना आप दोईती रे तो वह बारात आवे ना तो वह बरोटी भी देसी बरात आवे ना तो बरात रो खानो भी थाने देनो पड़े बरात ने जो खानो दिया करता जो ममेरो करता ने वे भी खानो देता था तो सूरत की बरात आसी बरोटी देसी वा बरोटी थोर कनो देना भोजन देना मायरो और मायरो भरोसो भात थारे देसी के मायरो बरान तो मायरा रो लेग वे लेना है बाटी मांगे ना मांगे ते अटे आवना मायरो भरना तो मायरा भाती बाटी थोने जिमाऊ पड़ेगा मायरो बरसे तो बात थारो ही लेसी अरे नेक जोग ने जुड़ो चुंदरी घोड़ चढ़ी चढ़सी और बरात रे माने जो बरात आवे ते मायरो लावना तो मायरा रा हैंग नेक थाने देना पड़ेगा जो भी नेक लागे मायरा रा पंचोरो नेक है जो ढोल बजाओ उनो नेक है जो भी कुमार उठे माया बिजी में मटका बिजा लेना आवे उनोर नेग है जो भी नेग है नेग जोग ने चुड़ो चुंदड़ी घोड़ चढ़ी चढ़सी और घोड़ा माते चढ़ने जब आवे दुलो तो वो भी नेग है सब थाने देनो पड़सी
इत्रो तो किरावर थाने करनो ही पड़ती के है जोशी जी मार बापू ने कीजो कि इत्रो किरावर तो थाने करनो ही पड़ती और भक्त वसल प्रभु सारे सब काज नहीं नहीं भाई रे माई रारी ठाकुर जी ने लाज सीता राम जी ने लाज जे जे नारायण हरी नहीं नहीं भाई उठे कोकली अभ्राम ने क्यों के जान तो है जोशी जी और मार बापू ने संदेश दीजो देखो आगे थैंक यू अज घर को बामण को कलो पर श्री रंग लियो बुलाए हे पहली दीनी पत्रिका तो यू कागज ले जाए अब भगत वत्सल प्रभु सारे सब काज जी भगत वत्सल प्रभु सारे सब काज रानी मैया माहिरारी ठाकुर जी ने सीताराम जी ने राज भरा सांवराल राज जय जय नारायण हरि घर को बिरावण लियो छे बुलाए जी घर को तो बिरावण लियो छे बुलाए जी कुमकुम पत्र ले पड़ो सुना रह जाए अरे मारा तो सगाने जोशी राम राम कई जो तेरा तो लगाए मैं हर जी घर ही जो हर जी तोरे ब्राह्मण पिता जो भयो जिन ने तो डोकरी बैठ बाजारा रहयो जिन ने तो डोकरी बाजारा रहयो तुझे दिन तो चालो जोशी कर कर पागा ताई पहुंचो जिनरो जिनमें दीजो तो अरे बूढ़े लोग रामन खाचो सूतो कुटी तान जी आका सासु आयो है श्री नाथ की अलवान ऐसा बूढ़ा ब्राह्मण ऊपर की ओ बेकार जी जिनमें तो पहुंचायो जूना गढ़ बाजार जी सारी तो बस्ती आज तो की जो अरे आमा सामा दरवाजा पर तिलक मान्या सूरज सामी पोल में तानन सी जी पाण्या पाण्या जी तो जाई पहली पोली दशा बैठोड़ा सा दूड़ा हर हर ही हशा मान दास अर ध्यान दास के मन में पड़ो भायो ज्ञान दास जी बोलो जोशी जी बोलू जे कही गोत जी साधुड़ा जाने छे पांडो करी छे दंडोत जी हे भगत वत्सल प्रभु सारे सब काज जी भगत वत्सल प्रभु सारे सब काज नानी मैया माई रानी ठाकुर जी ने लाज सीता राम जी ने लाज भरा सांवरा ने लाज बोली भक्त वत्सल भगवान की जय हो घर को ब्राह्मण कोकलियो ने सिरंग लियो बुलाए सिरंग जी महाराज आप जो घर ब्राह्मण तो कोकलियो ने बुलायो जो तैयार हो तो पत्रिका लेने नरसिंह जी रे जूनागढ़ जाने वास्ते नगर अजारू तो उन्हें बुलायो और पहली दीनी पत्रिका पहली तो हाथ में पत्रिका दी ने पच्चे बाद में हैंग जना मिल परान जो कागज लिखल मोटो वो चिटो के आ सामग्री तो वो कागज दियो हाथ में वो कागज मिल जाए के नशी ए कोके ब्राह्मण और कागज भी नशी जी ने हाथ पर दीजो के ओ लेन आवे माई माई तो घर को ब्राह्मण लियो छे बुलाए कुकू पत्री ले पांडो जूनागढ़ जाए और जो कोकलियो ब्राह्मण है वह कुकु पत्री ले ने वो कागज ले पर सब चुकली तो वो आप घर जाओ पाचो घर जाए पर जो भी था कपड़ा बीजा थेलो बीजो लिया खांदा माते अपनी कामड़ी नकी फूंदिया लियो पानी पीने वास्ते कमंडल भी लियो जड़ो भी आप पगड़ी थी पगड़ी बांधी
खाली ढोकरो कोको पत्री ले पांडो जूनागढ़ जाए वा कोको पत्री ले ने जूनागढ़ जाए मायरो सर मारा तो सगा ने जोशी राम राम कहजो श्रीरंग जी महाराज कहे के हे जोशी जी मारा बेवाई जी ने नरसिंह जी ने मारा राम राम कहजो के तारा बेवाई खूब हाथ जोड़ने याद करिया राम राम करिया मारा तो सगा ने जोशी जी राम राम कहजो अरे डेरा तो लगाई मैं ता नरसिंह घर भेजो देखो थे लारो श्रीरंगी भी उन्हें जोशी जी ने कहे के हे श्रीरंग हे कोकलिया ब्राह्मण थे दुदर किनी घर रिजो मती थे उन्हें नरसिंह मेहता रे घरे ज रिजो के देखो एते श्रीरंगी महाराज भी उन्हें नरसिंह जी री हसी उड़ारिया है डेरा तो लगाई मेहता नरसिंह रे घर रिजो अरे खर्ची तो लेने ब्राह्मण बीता जो भयो वो खर्ची ले प्रो ने ब्राह्मण बीता रियो और जिन दिन तो डोकरियो बैठा बाजार में जरियो उन दिन तो डोकरियो बाजार और मानी इन दुकान उन दुकान उन दुकान उन दुकान और हमने केले अरे मैं आज जूनागढ़ जा रही हूं श्रीरंग जी महाराज रा वेवाई जी नरसिंह जी रे उनारे पत्रिका लेने जा रही हूं हैं पत्रिका लेने जा रही हूं मैं जा रही हूं के मने उन टाइम ब्याह के टाइम पांच मारो मिली थी होनारी हमें मैं पत्रिका लेने जाऊं तो 21 मारो तो मने दक्षिणा में मिली रे मिली ओ ब्राह्मण उठे छाती फुलारियो ने दुकाना दुकाना बैठ बैठ ने हताई करतो जा रही है उन कोकलिया ने कथा को नहीं भाई नरसिंह जी की भगत खराब है हमारे समय खराब है वो उन दिन तो बैठो डोकरियो बाजार में रियो अरे दूजे दिन तो चालियो जोशी कर कर मन में रोष हमें डोकरियो हाली जत है पड़े और वो मन में दूसरे दिन थोड़ा मन में रोष कर करने के मने बुढ़ा ठाडा ने कट रहो ने कीधो है श्रीरंग जी महाराज मन में बड़ो यूं रोष कर करने डोकरो रियो बोलतो थोड़ो थोड़ो गांव बारे हाली और हालता हालता डोकरो तो था उन्हें गोडा दुकुन दोगा पग दुकुन दोगा और डोकरो आगे गयो बार निकलियो थोड़ा आगे बगीचो आयो रुकड़ा आया रुकड़ा री छंडी चिया देखी ने डोकरो तो उठे कुटी तोण ने तो कोमड़ियो थो जको ओड पर ने डोकरो तो और डोकरियो तो कोई जूनागढ़ कोई आज पहुंच सके ने कोई काले पहुंच सके बागा तई पहुंचो जिन्नो किने दीजो दोस वो तो गांव रे बारे जो बाग खोन बगीचा तक पहुंचो किने दोस दीजो मत बे उंडो करा रे सती ती ती शक्ति रही तो हाल में बजो कोई थरवा तो थोड़ी उतावलो हाल भले ने ने इसे रंगी महाराज मायरो भाव तो भाव बागा तई पहुंचो जिने किने दीजो दोस अरे बुडोड़ो ब्राह्मण थाक्यो सुतो खुटी ताण जब वो खुटी ताने सुतो ने इधर भगवान क्यों क्यों ओ ब्राह्मण कत्तो उठे पत्रिका लेने पहुंचे ना और नहीं जावे ना रास्ता में रे जिन पहली पहली तो नहीं नहीं भाई री सॉरी रो नरसी भगतरी दो इतिरो ब्याह रे जाने नरसी ने मारा भगत ने कोई खबर ही नहीं पड़े और ठाकुर जी महाराज अड़ी कृपा करी उन्हें कोकलिया ब्राह्मण ऊपर कोकलियो ब्राह्मण तो उठे बगीचा रे है अंदर उठे ठंडी छिया देव पर ने कोमल फुटी तोड़ने उतो अरे ठाकुर जी आकाश सु आयो ठाकुर जी रो विमान आकाश सु ठाकुर जी रो विमान आयो और हुतोड़ा ब्राह्मण ने उठायो और उठे पर नहीं ऐसा बुढ़ा ब्राह्मण ऊपर कियो उपकार अरे छिन में पहुंचायो जूनागढ़ रे बाजार देखो ठाकुर जी री कृपा ही कोकलिया ब्राह्मण रे ऊपर जो नरसिंह भगत री पत्रिका लेने जा रियो तो जिन्हें लोग कोई लेने तैयार नहीं रिया वो एक कोकलियो ब्राह्मण जो तैयार रियो उन्हीं कोई ताकत नहीं उन्हीं कोई शक्ति नहीं परंतु भगवान की अड़े कृपा रही के भगवान रो ठाकुर जी रो विमान आयो और उन्हीं कोकलिया ब्राह्मण ने उठे हुतोड़ो नींद रे मानो वो खुटी तान ने हुतो उन्हें उठायो और सीधो जूनागढ़ रे बाजारों में उन्हें पहुंचायो और उठे वो जी ब्राह्मण उठियो नींद लेने और देखियो अरे आप क्यों गांव आई गयो मैं तो हुतो तो अपने नगर अजारे मारे गांव रे बगीचा रे माने ओटे कट मुंह आई गयो वे पूछे अरे भाई वो गांव क्यों है अन्नू को गांव ला दियो के है ब्राह्मण ओ गांव तन था को नहीं और जूनागढ़ है अरे जूनागढ़ के हां अरे नरसिंह जी रो गांव के अरे हाँ हाँ भाई ब्राह्मण और जूनागढ़ है क्योंकि ब्राह्मण बूढ़ो है के जो होने कम थोड़ो कम होने वो दूसरों कौन में आने के के अरे ब्राह्मण देव वो जूनागढ़ है जब वो होने का अरे जूनागढ़ के मैं तो बट ना टेक कर आयो के भगवान की कृपा रही है देखो भगत रे ऊपर अड़ी भगवान की कृपा रही बोले भक्त वत्सल भगवान की आज
कोकलियो ब्राह्मण भगवान की कृपा से भगवान ने विमान ने सीधो जूनागढ़ पहुंचियो और उठे देखियो अरे भाई जूनागढ़ आ गयो और उठे जूनागढ़ रे माने पूछे वो अरे भाई नरसिंह जी रो घर कटे है नरसिंह जी रो घर हमें उठे जूनागढ़ रे माने है उठे गांव में है माने पूछे तो कौन तो कोई नरसिंह जी रो घर ही नहीं बताना कोई बताने तैयारी कोई नरसिंह जी रो घर वो कोकलियो ब्राह्मण हगड़ी फिर रियो है पर तो कोई इतर माने एक उठे कूद दी देखो भाई ध्यान दे गांव रह जते कोई रे भाई उकड़वाड़ो रह गया तो कोई ना कोई कूद दी रे रे रिया तो वो जो कोकलियो उठे पूछ रे थोनी इतर माने एक कोई कूदी आयो मिस्त्री आयो आने क्या अरे ब्राह्मण कोई से के तारे किने पूछ रियो किने अरे भाई मारे नरसिंह जी सिरंगी महाराज रा जो रेवाई की है वे कटे रेले उनरो घर मने बता दो तो क्यों के हो थे कोई लेने आया सिरंगी महाराज कोई नरसिंह जी कोई संदेश लेने आया कहा हां हां नरसिंह जी रे दोई तिरो ब्याह है जो पत्रिका लेने आया मैं क्या के जने ते पत्रिका लेने आया तो मैं नरसिंह जी रो घर बताऊं तू मने मेक कोई दे के बिना देखो स्वार्थ बिना कोई काम नहीं करेगा ओंगली रे चीरो आई क्यों रहनी तो कोई पट्टी नहीं बांधे बिना सवार भले छो तड़ तो आग तो वो उन कोकलिया ब्राह्मण ने कहे भाई तने मैं नरसिंह जी रो घर बताऊ तो मैं नेक कोई दे वो कहे भाई नेक तो मार कने की है कोनी कोई सिरंग जी मने की देने भेजे कोनी जो थोड़ी बहुत कुछ कर दी दी खर्ची वा तो उठे कटे नगर हजार मानी दुकानों माता फिरतो रियो हताये करतो रियो वा तो उठे खत्म लेगी वा तो खर्ची उठे ही पूरी रहेगी मार कने की है कोनी तो वो कुबदी तो वो कह भाई थार कने की नहीं है तो आ थार कने काली काली कोमड़ी है नहीं आ थार खाक में दबाड़ी आ कोमल दूध है आई तुम एक मिनट दे बिना नेक तो मैं नहीं बताऊंगा थे मोरा बेवाई हो बिना नेक की कर बताऊंगा अरे भाई के आ कोमड़ी मैं थाने दे दो तो मैं हियो मरू बुढो ब्राह्मण के भाई कोमड़ी तू ले ली तो मैं हियो मरू नहीं तो वो आदमी कह के अरे ते नरसिंह जी भगत रेटे जा रही है और सिरंग जी बेवाई की रेटे ने बेर ते हिया मरवारी बात करो अरे नरसिंह जी रेटे तो मोटा मोटा मेल है उठे डल्लपरा गादला लगड़ा मखमल री रजाया है उठे बिछावन ओढ़वारी कोई कमी कोनी तारे खावा पियारी रेवारी थे इंतर ने कोई होच करो ब्राह्मण देवता आ तो ते मने नेग में आ कौन दे दो और वो कुबदी तो उन ब्राह्मण कनु वा कोमड़ी थी जिको कोने परी कोस ने नी दी तो कोने बोले चलो कोई कोनी क्यों भाई के चलो कोई कोनी भाई बताओ घर तो वो खोश पूरी कोमड़ी ने ले ने कह के वही दो रस तो जा गौर पारे ने वो तो ले कोमड़ी ने वो जा अरे भाई मन रस तो बता मारी कोमड़ी दे के रस तो ही बतायो जो ही कोमड़ी हाथ में आई तो कोमड़ी ने गियो ने कोई रस तो पूरो बताए ने कोई बात ना वो ब्राह्मण है मन में कल्पे अरे के नहीं तो रस तो बतायो कने कोमड़ी थी ही ठाडू बच्चन वास्ते वादी बहुत लेगियो कोने अरे सिरंगी रहते वेवाई जी रे गांव में कोई हैंग टे कपड़ा खून वाले मिले वो बेर इतार माने उन्हें जो रस्तो बताए उन रस्ता राधार माते वो गांव रे बारे कियो जो मारक जूनागढ़ रे माने जो गांव रे बारे जो रस्तो कियो द्वारका दाता द्वारका भगवान दे उन रस्ता मते नरसिंह जी री उठे थी जो ही उठे पहुंचियो उठे पहुंच तो ही नरसिंह जी द्वार माते पहुंचियो तो उठे हैंग ने पोल माने हैंग सूर्य बैठा था कोणिया सुदास ध्यानदास ध्यानदास मानदास हमारे नाम था मानदास था ध्यानदास था ज्ञानदास था सब उठे में बैठा और बटे नरसिंह जी बैठा नहीं बटे हरि कीर्तन कर रहे इतर माने आमा सामा दरवाजा बटे क्यों भाई देख नरसिंह जी रे जो घर है आमा सामा दरवाजे पर तिलक मांडिया अरे सूरज स्वामी पौल मेती मेहता नरसिंह जी री पाड़िया ए पांड्या नरसिंह जी जो हैं हम ही होरे पौल है और उनार दरवाजा माते कोई मोंडोड़ा है भगवान दा तिलक मोंडोड़ा चिन्ह मोंडोड़ा ध्यान दीजो दीरा बहुत सुंदर बात है आमा सामा दरवाजा पर तिलक मांडिया उनार नरसिंह मेहता जो घर है घर है माते हम ही सामने उठे भगवान दा चिन्ह मोंडोड़ा वैष्णव जो चिन्ह है स्वस्ति वचन है ओम है इस तरह जो चिन्ह है मंगल चिन्ह वे मंगल चिन्ह बटे मोंडियो लाए और गुरुज हमी उनारे पौड़ ध्यान दीजिए दीरा अपने घर बनाओ तो घर माते
किनी प्रकार कोई देवी ऐसी कोई आसुरी कोप नहीं आया तो अपन घर माते कोई अड़ा भगवान का चिन्ह मनावना सीखे तो घर सुरक्षित रहे। ओम रो है स्वस्ति वाचन है या भगवान जो गदा है पादम है इनर चिंसु अपनी बहुत कुछ उन्हीं घरी रक्षा रिया कर ए विष्णु जनरा घरी। देखो आप ध्यान दीजो जब हनुमान जी महाराज लंका में गया था लंका में गया था तो सब जगह हनुमान जी महाराज फिरिया परंतु कटे भी कोई भगवान के भगत रो घर नहीं मिले सब जगह क्रिया पर तो सीता जी खोज रहे वास्ते कटी कोई अड़ो चिन्ह नजर नहीं आयो कि नहीं पूछ सके भाई सीता जी कटे तो हनुमान जी महाराज घूमता घूमता जब विभीषण के घरे गए तो विभीषण के घरे बटे एज बटे वैष्णव तिलक आदि का चिन्ह मोंडियोड़ा था पर बटे हनुमान जी कियो क्या रे हो रहना रहो ओ कोई न कोई मारा भगत रो घरे के भगवान रे भगत रो घरे और बटे कौन लगान दिए क्योंकि अंदर सो भगवान दी वो सुबह जी टाइम थी प्रभात थी और बटे विभीषण भगवान रो ध्यान करिया था ओमरी बटे रणकार आ रही थी और ओमरी रणकार हाते हनुमान जी महाराज पर तो भगत रे घर ही पहचान तो नरसी भगत रे घर माते एक तिलक मांडा था न आज अपन घर माते पर लिखो पर लिखो अपन तो अपनो नाम तो लिखो पहली फलोनो भवन परियार है शौकला है होलंकी है टाक है खुद रो नाम मोटो वाह वाह भगवान नाम री कोई गिनती नहीं खुद री नाम री सब ने भूख है नाम कमा नाम री भूख आदमी आदमी री चाह नहीं मिलती। एक तो फिर हमें नाम माते और काई के थाने लोग घर माते लिखिया करे बुरो मत मान जो जो है जिसको बार बार तुम घर मत पाए लिखे फाटक मत लिखे कुत्तो से साफ कुत्तो से साफ तो हम घर में कौन रह रिया भाई नहीं नहीं आप लिखो जिसको मैं तो बताए नहीं आप रे नहीं रही तो किन्हीं किन्हीं तो रही गए पर नहीं तो मैं बहुत बल्ला होते अपन तो तारी बात को नहीं है बाकी ते जाओ देखो तो करी भाई हैं कुत्तों से साव जय हो। तो बात माते बात कहनी पड़े और केवो नहीं तो पचे कोई समझ में आए ना ध्यान रखना। तो नरसिंह जी ने जो पौल थी उन माते उन्हें बताया कि भाई आमी सामी दरवाजे पर तिलक मोड़िया और सूरज स्वामी पौल मेहता नरसिंह जी री पौल के हे ब्राह्मण पुरुज हमी जो पौल है और बटे भगवान रा जो चिन्ह है वे उटे चिन्ह मंडोड़ा है न बटे बड़े लोग तो वो ब्राह्मण है वो पांड्यो है बटे पहुंचो पांड्या जी तो जाए जो पांड्या तो हमें दिन भर उठे फिरिया कोई घर बतायो को नहीं दिन भर उठे जूनागढ़ रे उठे फिरिया हर व्यक्ति ने कोई बताया नहीं एक ही वो मिले तो वही कोमल खोने भागो बड़ी मुश्किल सु बटे ध्यान दीजो नरसिंह जी बटे पहुंचिया जटे नरसिंह जी रो घर थो बटे बढ़िया सुंदर एक सरोवर थो और बटे पनारिया पिनियारिया थी ये पिनियारिया पानी भरती थी ये पिनियारिया ने पूछियो पांडियो जन वे पिनियारिया कोई कृपा करे उन ब्राह्मण ने बता दियो कि हे ब्राह्मण के कटु पधारिया कि वट वट आया मैं सिरंजी महाराज नरसिंह जी रे वेवाई जी रे कुटुंब में पत्रिका लेने आया तब वे पानी री पिनियारिया है वे इन तरह उन पांड्या ने घर बतायो और वो जी उठे गयो और जाते ही वो तो भूखो प्यासो कोई पानी नहीं नरसिंह जी रो नाव लेवे हम कौन पानी वो तो नरसिंह जी खुद ही मोम ने खा ले तो हैं लोग ज्ञान तो कोई उन्हें ब्राह्मण ने नहीं तो पानी पायो ली कोई भोजन करायो हैं दिन रो भूखो ने बुड्ढो ब्राह्मण और जो ही उठे पौड़ में गियो और डोकरो देखियो के हरे के हाँ हाँ मैं वैवाही जी रे घर आयो वो ऊंचे ऊंचे पग धरिया थोड़ा थोड़ा उतार जो ही ऊंचे ऊंचे पग धरिया और इतर माने पौड़ में सब वे सूरदास जी बैठा था और इतना में उन्हें पांडे री उन ब्राह्मण री धोती रे माने उन पग अड़ूज गियो और पग अड़ूज तई वो पांडे धड़ाम कर तोड़ पड़ियो लंबो लंबो रे और जो ही उठे लंबो रे गियो तो वे सूरदास ज्ञानदास जी के अरे भाई कोई तो आवे
कोई तो आवे हाथ जोड़ता ने कोई आवे माथो झुकावता पण तो आज तो भगत अड़ो आयो नियुक्त देवन वास्ते तो दंडवत करतो ही जाहो कोई तो आवे हाथ जोड़ता के बाबूजी मारे घरे भिक्षा लीधो कोई लोग मातो नीचो करने बाबूजी आज आदेश देवो नी मारे घरे आज भोजन कर लो कोई तो आवे हाथ जोड़ता कोई आवे मातो झुकावता अरे आज तो भगत अड़ो मिलियो कि अपने दंडवत करतो ही नियुक्त देवन आयो ये सूर्या की तरह धड़ाम पर थोड़ा पड़िया और जो ही पड़ते ही इतना में नरसिंह जी था नरसिंह जी कियो अरे भाई ब्राह्मण देव अरे थे मने प्रणाम करने क्यों मारे ऊपर भार चढ़ाओ नरसिंह जी भी कोई कहे कि हे ब्राह्मण देव थे मने प्रणाम करने थे क्यों मारे माथे भार चढ़ाओ पांड्या जी तो जाए कोड़ी माए दसिया अरे बेटोड़ा साधुड़ा हड़ हड़ हसिया आज बेटोड़ा साधुड़ा वे इंतजार करता था कोई न कोई भिक्षा वास्ते न्यू तो देवे न साधुड़ा अरे हो के कोई आयो न्यू तो दून आयो के न्यू तो दून आयो राजी रिया कहो आज तो कोई काली रोटी में धोड़ी दाल आज तो भोजन मिली क्यों कहो तो रंदुत कर तू आयो का आज तो बेटोड़ा साधु हड़ हड़ हसिया मानदास और ध्यानदास मन में पांड्यो भायो जो उठे मानदास जी ध्यानदास जी था उन्होंने मन में भायो तो हो ओ कोई भगत आयो क्या ज्ञानदास जी बोलियो हो तो नियुक्त देवन आयो हो तो नियुक्त अपन भोजन वास्ते नियुक्त देवन आयो इतारे माने आखर गयो जोशी जी उलझ गई धोत अरे साधुरा जाने हो तो पड़ियो पांड्यो करे दंडवत के हो तो अपने दंडवत प्रणाम करी हो इतना में नरसिंह जी देखो वे इस तरह के लिए तो नरसिंह जी का ही के लिए आगे देखो पाचो फिर या नरसिंह जी देखो अरे ओकुल पड़ी अरे पाचो फिर कर नरसिंह बोलो थे क्या ने चाडो हार जी पाचो फिर कर नरसिंह बोलो क्या ने चाडो हार कुमकुम पत्री लायो हो जहनो हो नगर राजा घर में सो बोली मैं नरसी जी रीना कुंकुम पत्री के लड़ यो हो गए तैयार आते तो घर में से नागे अन्न की भूख जी माने रोते क्या तो करो ना सलूक जी आरे तो घर नाही नाही पाव ही जुआर जी माहे रो भर राम जी ने राज मारा सावरान राज जय जय नारायण हरि जय जय नारायण हरि जय जय नारायण हरि बोली भक्त वत्सल भगवान की जय सांवरिया सेठ की जय तो पाचा फिर पाचो फिर कर नरसिंह बोलियो कहने चाडो भार
जी नरसिंह जी के ओ कोई पड़ियो के नरसिंह जी पाचा फिरने देखे ओहो ए तो ब्राह्मण देवता पगो में साष्टांग प्रणाम करिया है। तो नरसिंह जी केवे त्यारे ब्राह्मण देव ए क्यों मार माते भार चढ़ाओ पाचा फिर नरसिंह बोलियो कन्ने चढ़ाओ भार।